स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही प्राउड वाला है और ये वर्ल्ड इन डिटेल्स का वीडियो है जिसमें ये भाई हमें बताने वाला है कि इंडिया ने कौन कौन सी इन्वेंशंस किए हैं और जो हमारे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे CEOs है उसके बारे में बात करने वाले हैं और जो हम जिस तेजी से हम आगे बढ़े हैं तो ये 4-5 सेक्टर है जो ये बताने वाले है कि वो कौन सा सेक्टर है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। नॉर्मली क्या होता है ना, जब फॉरेन में किसी इंडियन का नाम लिया जाता है या फिर इंडिया की कंट्री का नाम लिया जाता है तो यार लोगों के माइंड में ना पॉवर्टी दिखने लगती है, यानी फॉरेन लोग इंडिया के नाम पे ही पॉवर्टी को इमेजिनेशन करते हैं। अरे समझाओ यार कोई इनको कि ये नया हिंदुस्तान है, बट सेड यार इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया है। इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टॉक मार्केट भी इंडिया है और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इंडिया है और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इंडस्ट्रियल कंट्री भी इंडिया है। अरे जागो यार, वेक अप टू रियलिटी। इंडिया 2040 में ही मार्स तक पहुंच गया था और इन लोग को आज भी हमारे हाथ में सांप की बीन ही नजर आती है। बट कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि हम इंडियन कौन है। सो हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त लव कुमार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन डिटेल्स। तो हाँ चलो शुरू करते हैं। हम वो इंडियन है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब ऐसे टाइम पे जब दूसरे कंट्री के छात्रों को स्टूडेंट्स को यूक्रेन में ही छोड़ दिया जाता था तब हम इंडियन ना ही सिर्फ हमारे देश के स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर लाए बल्कि साथ में दूसरे देश के लोगों को भी वॉर के बीच में से बाहर निकाला था। हम वो इंडियन है जिसने तुर्की जैसी कंट्री, यानी वो कंट्री जिसने हमेशा से इंडिया के विरुद्ध कदम उठाए, हमेशा से इंडिया को अपना दुश्मन जैसा माना, बट फिर भी जब तुर्की में भूकंप आया और भयंकर तबाही मचाई तब भारत ने कुछ सोचे बिना ही सबसे पहले मदद भिजवाई और हम इंडियन ने साबित कर दिया कि हम किसी भी भेदभाव करे बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। हम वो इंडियन है जिसने कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम पे जब अदर्स कंट्री अपनी वैक्सीन को दूसरी कंट्री में सेल करके वैक्सीन को एक बिजनेस बनाया तब इंडिया ने 100 से भी ज्यादा कंट्री को फ्री में वैक्सीन बांटी। खैर ये तो हुई मदद की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडियन लोगों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि हम एक इंडियन है और हम किसी से कम नहीं। नंबर 1 सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के CEO। गूगल के बारे में सबको पता ही होगा, पर जो फोन्स में एंड्रॉइड सिस्टम आती है वो एंड्रॉइड सिस्टम अल्फाबेट के अंदर आती है और अल्फाबेट और गूगल के CEO भी एक इंडियन है। सुंदर पिचाई वॉज बोर्न इन तमिलनाडु, इंडिया। नंबर 2 सत्या नाडेला, जो की CEO है माइक्रोसॉफ्ट के, जिनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नंबर 3 विवेक संकरन, जो कि CEO है एल्बर्टसन्स कंपनी के। अब जिनको एल्बर्टसन्स कंपनी के बारे में पता नहीं होगा उनको बता दे कि US के वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड्स एंड ड्रग्स रिटेलर्स है जिनके पूरे US में 33 स्टेट्स में 2200 से भी ज्यादा स्टोर है। नंबर 4 अरविंद कृष्णा, जो कि CEO है IBM के, जिनका जन्म हुआ था देहरादून, इंडिया में। नंबर 5 पुनीत रंजन, डेलोइट कंपनी के CEO है। नंबर 6 वसंत नरसिम्हा, जो कि CEO है नोवार्टिस के। नंबर 7 संजय मेहरोत्रा, CEO ऑफ द माइक्रोन। नंबर 8 लक्ष्मण नरसिम्हा, CEO ऑफ द स्टारबक्स कंपनी। नंबर 9 नील मोहन, जो कि CEO है यूट्यूब के। नंबर 10 संतानु नारायण, जो कि CEO है एडोब के। और ऐसे तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के कई ऐसे CEO है जो कि एक इंडियन है। और जहां तक आविष्कार की बात करें तो पेन ड्राइव, शैम्पू, बटन, जीरो, बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, चेस, सब्सिडी, कैटरिंग सर्जरी यानी मोतियाबिंदु सर्जरी, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिनके बिना ये टेक्नोलॉजी ही अधूरी है। हाँ ये बात अलग है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का श्रेय इटाली के मैक्रोनी को दिया जाता है, बट उससे 2 साल पहले सन 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने इस टेक्नोलॉजी को खोज लिया था। और ऐसे तो कई और ऐसे आविष्कार है जो एक इंडियन ने खोजे थे। हम वो इंडियन है जिनके पर ब्रिटिश ने 150 साल से भी ज्यादा राज किया था, बट आज उसी ब्रिटिश कंट्री यानी यूनाइटेड किंगडम UK के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री एक इंडियन, एक हिंदू है जिनका नाम ऋषि सुनक है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बार ये वीडियो दिखा दो उनका मुंह बंद हो जाएगा। सीरियसली में वाकई में यार जो अंडरएस्टिमेट भारत की अगर देखा जाए ना, वाकई पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो यार इंडिया ने वो अचीवमेंट हासिल की है ना जो शायद मैं कहता हूँ अमेरिका जैसा देश भी नहीं कर सका। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्राउड फील करने वाली वीडियो थी। इसमें जो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनीज भी है और ग्रोसरी स्टोर्स या स्टारबक्स की भी बात कर ले तो वो सभी इंडियन ओरिजिन के हैं। इतने सारे कंपनीज है कि आप लिस्ट पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और जो हमें गरीब अनपढ़ ऐसा समझते थे और अभी भी कई सारी कंट्री के लोग समझते हैं कि इंडिया बहुत ही गरीब और पिछड़ा है, तो उन लोगों को ये सब देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग इतने ऊंची ऊंची पोस्ट पर अगर पिछड़े और अनपढ़ होते तो कैसे पहुँच जाते। और वहाँ के उनके यहाँ की कंपनियों के सीईओ इंडियन ओरिजिन है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी इन्वेंट की है या ऐसी चीज़ें बनाई है, ज़ीरो से शैम्पू बटन ऐसे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन कई बार हमको उसकी क्रेडिट नहीं मिलती और कोई इसकी बात भी करना नहीं चाहता क्योंकि वो हमने इन्वेंट किया था। अगर कोई छोटी चीज़ भी अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज इन्वेंट कर ले तो पूरे वर्ल्ड में उसका हंगामा मचा देते हैं न्यूज़ वाले और सभी सोशल मीडिया पे भी। और जो ऋषि सुनाक की बात कर रहे थे कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो अभी शायद कल ही मेजर साहब की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूएस के भी प्रेसिडेंट के लिए दो इंडियन ओरिजिन के निकी हेली और दूसरे भी थे जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं, तो गर्व की बात है हमारे लिए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट के लिए यूएस में ये दो लोग खड़े होने वाले हैं। अगर शायद जीत भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।